होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बार्सिलोना का एक और फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आर्क डे ट्रियंफ, और उसके पास ही एक पार्क भी है जो कि बहुत फेमस है, मैं उसका नाम नीचे मेंशन कर दूंगा। तो हम आज वो विज़िट करेंगे और उसके आसपास का एरिया देखेंगे और एक वॉक अराउंड करेंगे उसके आसपास, देखते हैं वो कैसा है। तो चलिए देखते हैं। आर्क डे ट्रियंफ सिटी सेंटर से काफ़ी पास में है, तो हम यहाँ पे मेट्रो, ट्रेन या फिर बस किसी से भी आ सकते हैं। आर्क डे ट्रियंफ के आसपास आपको बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स, कैफेज और बार्स मिल जाएंगे। ये एरिया यूजुअली बहुत ही क्राउडेड रहता है टूरिस्ट सीज़न में, बट अभी जैसे कि बार्सिलोना में फिर से कोरोना वायरस के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ये एरिया काफ़ी अभी एम्प्टी था, बट यूजुअली ये बहुत क्राउडेड होता है। और आर्क डे ट्रियंफ एरिया एल्बॉन, गॉथिक क्वार्टर और बीच से भी काफ़ी पास में है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यूजुअली क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है। आर्क डे ट्रियंफ को 1888 में बनाया गया था। 1888 में बार्सिलोना में वर्ल्ड फेयर हुए थे, और जिसका कि आर्क डे ट्रियंफ एक मेन एक्सेस गेट था। वर्ल्ड में और भी ट्रियंफल आर्चेस हैं, जैसे कि आर्क डे ट्रियंफ पेरिस में, वेलिंगटन आर्क लंदन में, सोल्जर्स एंड सेलर्स आर्क न्यूयॉर्क सिटी में, एंड आर्किल डे ट्रियंफ बुचारेस्ट में। बट बार्सिलोना के आर्क डे ट्रियंफ और वर्ल्ड के बाकी ट्रियंफल आर्किटेक्ट्स में ये डिफरेंस है कि बाकी आर्चेज मिलिट्री विक्ट्रीज़ के लिए बनाए गए थे, बट बार्सिलोना का आर्क डे ट्रियंफ 1888 वर्ल्ड फेयर में बनाया गया था, दस इट वॉज इंटेंडेड टू वेलकम पीपल। ये जो सड़क हमें दिख रही है इसका नाम है पैसेज दे लुइस कंपनीज, और ये सड़क सीधे हमें लेके जाती है सियुतडेला पार्क तक। 1888 में जब वर्ल्ड फेयर लगा था बार्सिलोना में, तो जिस एरिया में वर्ल्ड फेयर लगा था उसे बाद में पार्क की तरह रीडेवलप कर दिया गया, जिसका नाम है सियुतडेला पार्क, और ये सड़क सीधे हमें उस पार्क तक ले जाती है। ये पार्क 70 एकर्स में फैला हुआ है, और ये मिड 19th सेंचुरी में बना था। इस पार्क में ही बार्सिलोना जू और पार्लियामेंट ऑफ कैटलोनिया भी प्रेजेंट है, तो इसलिए ये पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इस पार्क में एक फाउंटेन है जो कि काफ़ी फेमस है, जो भी अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा।
इस फाउंटेन के ऊपर वो जो गोल्डन कलर का रथ दिख रहा है उसे देखकर मुझे सूर्य भगवान का रथ याद आ गया, और बट ये वो रथ नहीं है, ये कोई और रथ है जिसका रियल नेम नीचे शो हो रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उस पर काफ़ी रेगुलरली फ़ोटोज़ और स्टोरीज़ अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, और कमेंट करिए अगर आप कुछ और स्पेशल देखना चाहते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। होप आप फ्यूचर में कभी सब्सक्राइब कर लेंगे।